फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं इंडिया में किसी भी टाइप की कंपनी रजिस्टर करने का सबसे आसान तरीका। सिंपल सा प्रोसेस है, एमसी की वेबसाइट पर जाकर आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। www.mca.gov.in ये वेबसाइट नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। एक बार यूजर नेम के थ्रू आप रजिस्टर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर दो पोर्टल आपको दिखाई देंगे, V3 और V2। तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन अभी फिलहाल जो है वो V2 पोर्टल से ही होगा। तो इस पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी अपनी क्रिएट कर लेनी है। यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू यहाँ पर लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आपके सामने पोर्टल कुछ इस तरह से आएगा। फिर यहाँ पर हमें एमसीए सर्विस पर क्लिक करना है। स्पाइस प्लस फॉर्म पर क्लिक करके यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन जनरेट करनी है। ठीक है, इसमें आपको टाइप ऑफ कंपनी ये सेलेक्ट कर लेनी है, किस टाइप की कंपनी आपको रजिस्टर करनी है। सभी टाइप की कंपनियां यहीं से रजिस्टर होगी, प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड। उसके बाद लिमिटेड बाय शेयर्स गारंटी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, मेन डिविजनल एक्टिविटी। सपोज कीजिए हम यहाँ पर 92 भी ले रहे हैं। बाकी आप इसको अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो भी आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है अगर, तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा। इसकी लिस्ट एमसीए की वेबसाइट पर ऑलरेडी दी गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी की कंपनी आपको अगर रजिस्टर करनी है तो यही सेम प्रोसेस रहेगा। उसके बाद जो भी कैटेगरी है आपकी, उसका एक वन यानी कि एक मेन ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिखना होगा। और उसके अलावा यहाँ पर एटलीस्ट आपको टू नेम्स, अगर वन नेम आप चाहते हैं तो वन नेम भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि दो नेम यहाँ पर आप लिखिएगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक जो है वो अप्रूव हो जाएगा, तो ये बेटर रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप पूरा 100% श्योर है कि आपका जो नेम है वो किसी ऑलरेडी कंपनी से रिजेंबल नहीं है, ना ही उसके नाम पर कोई ट्रेडमार्क है, दोनों चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, तो आप यहां पर सिंगल नेम लेके चलिएगा। और कंपनी का जो प्रोसेस है नेम अप्रूवल का और रजिस्ट्रेशन का, दोनों साथ कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नेम में थोड़े चांस है कैंसिल होने के, तो पहले नेम अप्रूव कीजिएगा। नेम अप्रूव होने के बाद उसके बाद कंपनी को रजिस्टर कीजिएगा। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस साथ में भी कर सकते हैं, नेम अप्रूवल का और रजिस्ट्रेशन का। या फिर अगर पहले आपको नेम अप्रूव कराना है तो अप्रूवल लेटर आ जाएगा, उसमें SRN होगा, उसके बेस पर हम रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं प्रोसेस यहां पर बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहीं से भी आप खुद से इसको क्रिएट कर सकते हैं, या फिर गूगल से इसकी हेल्प ले सकते हैं, या उसके अलावा किसी ऑलरेडी कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो चेक पर क्लिक कर, तो यहाँ पर एक मैसेज रिफ्लेक्ट होगा इस टाइप का कि कंपनी का जो नेम है वो अभी रिजेंबल नहीं है। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा डाटा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पूछेगा कि आपको नेम रिजर्वेशन के लिए सबमिट करना है या फिर प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन। तो अगर आप कंफर्म है तो प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर केवल नेम अप्रूव कराना है तो सबमिट करके 1000 रुपीज की फीस पे करके नेम अप्रूवल के लिए चला जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर स्पाइस प्लस में एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन से आपको इसको प्रोसीड करना है। तो मैं भी यहाँ पर प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन पर क्लिक करके इसको प्रोसीड कर लेता हूं। या फिर उसके अलावा आपके पास ये भी चांस है कि नेम अप्रूवल आने के बाद आप स्पाइस फॉर्म में एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के थ्रू भी इसको प्रोसीड कर सकते हैं। बाद का जो प्रोसेस है वो दोनों में सेम रहेगा। उसके बाद आपको स्पाइस प्लस पार्ट भी फिल करना है। इसमें आपको ऑप्शन जो मैं यहां पर सेलेक्ट करने जा रहा हूं आपको अपने अकॉर्डिंग एक बार चेक करके सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है शेयर कैपिटल, इक्विटी, प्रेफरेंस, कितनी शेयर कैपिटल रखनी है आपको ऑथराइज्ड, आप उसके अकॉर्डिंग यहां पर रखेंगे। अब उसमें से सब्सक्राइब कैपिटल कितनी रखनी है ये ध्यान रखिएगा, इसके बेस पर ही जो आपके आगे के फॉर्म्स हैं उसमें जो फीस है जब आप एनुअल कंप्लायंस करेंगे तो उसके हिसाब से वो डिसाइड होगी। ठीक है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। फिर उसके बाद आपको ये एड्रेस लिखना है, जिस भी स्टेट में आपको कंपनी रजिस्टर करानी है उसका आपके पास प्रॉपर एड्रेस होना जरूरी है। एड्रेस प्रूफ के लिए रेंट एग्रीमेंट, एनओसी, कंसर्न लेटर, वो सारी चीजें, ईमेल आईडी और कम्युनिकेशन एड्रेस। उसके बाद यहाँ पर ROC का, जिस भी रजिस्टर्ड ROC के अंडर में आपका एड्रेस आएगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, इस फॉर्म के थ्रू आप अगर किसी डायरेक्टर के पास डिन नंबर नहीं है तो डिन नंबर भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसमें 3 डायरेक्टर्स के जो है डिन नंबर आपको फ्री मिलते हैं। बाकी अगर आपके पास डिन नंबर नहीं है तो आपको किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के थ्रू डिन लेना होगा, उसमें 500 की फीस आपकी लगेगी। तो यहाँ पर अगर ऑलरेडी डिन है तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको नंबर लिखने की, कितने डायरेक्टर्स के पास और कितने सब्सक्राइबर के पास डिन है और कितने के पास डिन नंबर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स आएगी,
जो डायरेक्टर्स हैं या सब्सक्राइबर है उनकी डिटेल्स यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक करके डिटेल्स एंटर कर देनी है। हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है कि एक पर्सन के पास डिन नंबर है, दूसरे पास नहीं है, उसके हिसाब से आपको ये डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको 00 करके मैंशन कर देना है, क्योंकि अदरवाइज ये वरना फॉर्म में जो है एरर दिखाई देगी। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ से पैन एओ कोड आपको सर्च कर लेना है, ये इनकम टैक्स की वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे। देन उसके बाद इनकम में आप यहाँ पर जो भी आपका नेचर ऑफ बिजनेस है उसके हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देने हैं, जो भी डायरेक्टर सब्सक्राइबर्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अटैच करने हैं केवाईसी। देन उसके बाद जो है एड्रेस के लिए लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का बिल या कोई भी यूटिलिटी का बिल यहाँ पर आपको अटैच कर देना है। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। देन उसके बाद ये जो भी ऑप्शंस हैं इसको आपको सबको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर कोई भी एक जो भी पर्सन डायरेक्टर या सब्सक्राइबर बनेंगे उनका नेम आएगा, देन उनका यहाँ पर पैन नंबर आएगा, क्योंकि हो सकता है डिन नंबर अभी ना हो। अगर डिन नंबर है तो फिर यहाँ पर डिन नंबर आपको लास्ट में दिखना पड़ेगा, ठीक है। नेम आएगा, जो भी सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं उनकी डिटेल्स आएगी। देन उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। देन इसके बाद आपको ये डिटेल जो है सबमिट कर देनी है प्रिस्कुटनी करके। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म आएंगे एमओए, एओए, एजाइल और INC 9। उसके लिए यहाँ पर आपको 1 बाय 1 फॉर्म जो है फिल करना है। देन उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करने हैं, और पीडीएफ में जो है डिजिटल सिग्नेचर्स अटैच करके पोर्टल पर अपलोड करने हैं। अपलोड के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर फॉर्म्स अपलोड में, यहाँ पर क्लिक करके। तो फॉर्म्स को किस तरह से भरना है, क्या क्या डिटेल्स उसमें फीड करनी है, उसके लिए सेपरेट वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा काफी सारे वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, जिस पर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे सी पुनीत जैन के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। उसमें काफी सारे वीडियो इसी तरह के रजिस्ट्रेशन पार्ट को और जीएसटी इनकम टैक्स की फाइलिंग्स को यहाँ पर कवर किया गया है। आप एक बार वीडियो देखेंगे तो 100% आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।